दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम के नरसिंहपुर में एक तेंदुए ने करीब 7 घंटों तक तांडव मचाया। गांव में दीवारों को कूदता तेंदुआ एक घर में जा घुसा। गृहस्वामी ने समझदारी दिखाई और घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ घर के कमरे में ही कैद हो गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। गांव की दीवारों को कूदकर भागते हुए ये तेंदुए की तस्वीरें देश की राजधानी से सटे हुए साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं। ये तस्वीरें किसी जंगली इलाके की नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव की है। अपने परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल गंडास है। मैं यहाँ पर एक एनजीओ ऑपरेट करता हूँ, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता हूँ। सन 2000 से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और लेपर्ड, स्नेक वनेक, अजगर वजगर जो भी इलाके में वाइल्ड लाइफ जंगल में से आबादी की तरफ आती है, तो महकमा के साथ मिलकर हम उनका सहयोग करते हैं। और ये सरपंच साहब हैं, साहब रामवीर जी, इन्होंने 4 बजे के बाद गांव के किसी सज्जन ने बताया था कि भाई यहाँ घर में लेपर्ड घुस गया है, नाम उनका पता नहीं, सर जो बड़े थे घुसे थे तो उनके अंदर घुसे, तो हम महकमे को सूचना हुई। कृष्ण जी अपने यहाँ इंचार्ज हैं और राजेश चहल जी इंस्पेक्टर हैं, उनके आदेश अनुसार सारी टीमें यहाँ पर आ गई। जो भी रेस्क्यू टीम हरियाणा की इशारे लगे हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे थे। क्या उम्र तेंदुए की लग रही है और किसी लोगों पर हमला किया है? एक वे बता रहे हैं वो भागते वक्त जिसे मकान में से निकला था ना, तब एक किसी को थोड़ी इंजरी हुई, प्रशांत लड़के को लगी है थोड़ी, जो वो आ गया होगा वो एक्सीडेंटल है, वो सामने आ जाता है। तो इस टाइम जानवर बहुत घबराया हुआ होता है, उसको पता नहीं होता कि किधर भगना है क्या करना है, तो इस वजह से वो लगी होगी, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है। कितने ट्रैंक्विलाइजर शॉट दिए गए थे और कितना? 2 ट्रैंक्विलाइजर शॉट दिए थे वो डॉक्टर के अनुसार, उससे वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेपर्ड रात को शिकार कर लेता है, भोजन छक के खा लेता है, फिर बेहोश नहीं होता बहुत जल्दी, ज्यादा मात्रा में दे नहीं सकते क्योंकि वो खतरा हो जाता है। क्या लगता है क्या उम्र रही है? अरावली में, हमारी अरावली में काफी लेपर्ड है। अरावली में इलाके की लड़ाई में मेल था, ये मेल को बाहर खदेड़ देता है, बड़ा मेल, ठीक है, वो अपना नया इलाका बनाने के लिए आबादी की तरफ आ जाता है। उम्र मेरे हिसाब से 60-65 किलो होगा और उम्र 4 से ऊपर 4 के लगभग। समझा कितना समय लगा इस रेस्क्यू? इसमें 7 घंटे लग गए जी। वैसे इसकी सूचना तो हमें कई दिनों से मिल रही थी, लगभग पहले जो अपनी जो एक बिल्डिंग है उसमें भी देखा गया था, एसीजेड में भी घूमने वालों को मिला था, लेकिन किसी को इसने नुकसान बताया जा रहा है। डीएलएफ के आसपास के सिटी पार्क वगैरह में भी एक दिन पहले कल रात देखा गया है। पार्क में देखा था, हमने देखा था। कोई चोट तो तेंदुए के इस दौरान नहीं आई? नहीं, तेंदुआ बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को गंभीर चोट नहीं, वाइल्ड लाइफ को किसी को लगी है, एक बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है, उसको देखेंगे अब महकमा जो कहां इसको लेकर जाएगा। अब इनकी कस्टडी में चला गया है, वाइल्ड लाइफ में इसका डॉक्टर आएंगे, वाइल्ड लाइफ सर्जन होता है जो अपने रोहतक से चिड़ियाघर से आएगा, वो इसकी रिपोर्ट बनाएगा, कितनी देर इसको रखना है, कहाँ छोड़ना है, सारी चीजें महकमे के अधीन है, वो हमारे हाथ से बाहर, हमारा काम था वो खत्म। ठीक। सरपंच साहब, मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं गांव नरसिंहपुर से ही हूँ और मैं गांव का सरपंच रहा हूँ। रामवीर जी, कब आपने तेंदुआ देखा, कब सूचना दी गई? ऐसा है, इसके बारे में, तेंदुए के बारे में सुबह 4 बजे सूचना मिली थी मुझे और सुबह छः बजे ये मदन सिंह, एक हमारे ग्रामीण हैं, उनके मकान में ये आ गया था, तो तब मुझे ये सूचना मिली। तो उसके बाद में मेरी बात अनिल जी से हुई, अनिल के फॉरेस्ट अफसर से बात हुई कि इस तरीके से एक तेंदुआ जो है वो गांव के अंदर आ गया है, आबादी के अंदर आ गया है। तो उसके बाद में ये मदन के यहाँ से जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो ये तेंदुआ जो उधर से निकल के फिर राजेंद्र भाटी जी के मकान पर आ गया, और राजेंद्र जी भाटी के मकान पे जब ये आया तो तब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच चुकी थी, और रेस्क्यू टीम ने जब अपना जाल बिछाया इसको पकड़ने के लिए तो एक जगह से, खाली जगह देखकर ये वहाँ से निकलकर छत के द्वारा देवीलाल के मकान पे भाग गया। देवीलाल जी है जो ग्रामीण है, उनके मकान में चला गया। वहाँ पर रास्ते में इसके सामने 2 व्यक्ति आए, एक प्रशांत नाम का लड़का हुआ तो उसको इसने जख्मी किया, एक और व्यक्ति को इन्होंने जख्मी किया, हालांकि उनको जान का नुकसान नहीं हुआ है, प्रभु कृपा से वो अभी ठीक है और प्रशासन ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है और उनका इलाज चल रहा है। देवीलाल के मकान के बाद में जब रेस्क्यू टीम ने इसको घेरने की कोशिश की तो फिर ये यहाँ पे सतवीर जी के, सतवीर तवर इसके मकान में आके और अंदर घुस गया। एक औरत यहाँ पे जो है वो घर का काम कर रही थी, उसने देखा कि घर के अंदर तेंदुआ आ गया तो वो निकल के भागी, अच्छा रहा कि उसकी आमने सामने की मुठभेड़ नहीं हुई। तब तक रेस्क्यू टीम भी इसके पीछे पीछे आई हुई थी और उन्होंने उसको क्लोज किया और यहाँ पे 2 ट्रैंक्विलाइजर करके इसको बेहोश करके और आज इसको पकड़ लिया गया है। ठीक है सर, थैंक यू।